हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सीमेडी का नेक्स्ट यूनिट औद्योगिक विधान तथा कर इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन एंड टैक्सेस। ठीक है, मैंने बताया था कि औद्योगिक अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने 6 पॉइंट को कंसीडर किया था। ठीक है, एज वेल मैंने फिर बताया था कि औद्योगिक विधान का जो महत्व होता है वो क्या होता है। ठीक है, औद्योगिक अधिनियम मालिकों द्वारा तथा श्रमिकों हितों के हित दृष्टि में रखते हुए बनाए गए हैं। अब इसी बात है, यानी जो भी मालिक होते हैं और जो उनके श्रमिक होते हैं, इन दोनों के हित के दृष्टि में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार का मनमुटाव ना होने पाए। ठीक है, इस अधिनियम से देश में औद्योगिक वातावरण बनाए रखने में पर्याप्त सफलता मिली है। इस अधिनियम के अनुसार उद्योगपतियों श्रमिकों में कम से कम टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि श्रमिकों का शोषण नहीं होने पाता है। अगर ऐसा अधिनियम नहीं होता, शायद शोषणों की संख्या जो होती है वो श्रमिकों पे वो बढ़ती जाती है दिन पर दिन। लेकिन इस अधिनियम की वजह से थोड़ा सा क्या, बहुत कम शोषण होने के मतलब बात होती है किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर श्रम का मुआवजा भी मिल जाता है समय से, श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, परिणाम स्वरूप श्रमिकों को मानसिक शांति प्रदान प्राप्त होती है और वह अधिक लगन व परिश्रम से अपना क्या करता है, काम को करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो अपने मानसिक शांति प्राप्त होती है श्रमिकों को। और वह अभी सी बात है, जब मानसिक शांति किसी इंसान को मिलेगा तो वह क्या होगा, अपने कार्य को अधिक मन और लगन से क्या करता है और कार्य में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और कार्य की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है दोस्त, बढ़ाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। तो इसका मुख्य विषय क्षेत्र क्या क्या है, जैसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी प्राविधान। अब ये स्वास्थ्य संबंधी प्राविधान क्या है, तो आपको हम बता दें, स्वास्थ्य संबंधी प्राविधान के अंतर्गत, ठीक है, स्वच्छता, वेंटिलेशन, प्रकाश, पेयजल, इस सारे कुछ सुविधा होना जरूरी है। जैसे स्वच्छता के लिए, ठीक है, साफ जल, पेयजल, पीने योग्य पानी हो, और जहाँ वह रहते हों उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था हो, यानी सब कुछ जितने भी एक पैरामीटर होते हैं स्वास्थ्य के लिए वो आपको फॉलो करते हो। ठीक है, सेकंड है सुरक्षा संबंधी प्राविधान। ठीक है, सुरक्षा संबंधी प्राविधान मशीनों के लिए आग भड़कना, यानी जो भी इस तरह का होते हैं मशीन पे जो काम करते हैं उनके लिए जो प्रोवाइड कर सके सुरक्षा, यानी कि सब फैक्टर आप सब जिसको कहते हैं जनरली, हम जो जनरली इंडस्ट्री में बोलते हैं जो सेफ्टी होता है उसको प्रोवाइड करता है। फिर पता करा कि कार्यकारी घंटों संबंधी प्राविधान क्या होता है, यानी कि डिपेंड करता है कि आयु कितने आयु वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, फिर कितने घंटे के लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 14 घंटे कर रहे हैं, तो ये डिसाइड होता है। लेकिन जनरली आमतौर पर इंडस्ट्रियों में 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है और 12 घंटे की जनरली 2 शिफ्ट देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात आता है वेतन या अवकाश संबंधी क्या प्रावधान है, तो अब इसी बात है, वेतन भी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी श्रमिक के लिए, और उसको आराम के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते में 1 दिन की अवकाश तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, फिर बात आता है नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक विवाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो हम आपको बता दें, किसी भी उद्योग में, मैं बता दूँ आपसे फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी उद्योग में उद्योगपति और श्रमिक दो क्या हैं, पार्टी हैं, जो अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों में औद्योगिक संघर्ष या विवाद छिड़ जाना क्या है, स्वाभाविक है। वो अपने हित के लिए काम करते हैं, वो अपने हित के लिए करते हैं, इसी में क्या होता है, एक संघर्ष छिड़ जाए आम बात है। फिर मजदूर अपना रोष प्रकट करने के लिए धीमी कार्यगति, हड़ताल, नारेबाजी जैसे असामाजिक कार्य करने लगता है। ये सारे असामाजिक कार्य क्या होते हैं, उस प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, कारण इसके क्या हैं, इसके मुख्य कारण निम्न है। पहला पॉइंट हो सकता है काम के घंटों को घटाने के लिए अथवा अवकाश दिनों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग कर दें। ठीक है, समयोत्तर कार्य भत्ता में बढ़ोतरी की मांग कर दें, या फैक्ट्री के लाभांश में उचित भाग की मांग अथवा बोनस की मांग कर दें। इस सारे कुछ की वजह से क्या होता है, हम जनरली इंडस्ट्री में आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जो सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे काम करें, ऐसे उनको काम से रिलैक्स कराएं जिससे किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना हो और काम आसानी से होते चले जाए। ठीक है, और
इस सारे पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, पॉइंट वाइज इसको कंसिडर करिएगा, और जनरली अगर ऐसा कुछ पूछता है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हड़ताल स्ट्राइक जो जनरली रहता है, ध्यान से सुनिएगा। हड़ताल आप सुने होंगे, जनरली इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं लोग, हड़ताल कर देते हैं जो श्रमिक होते हैं। क्यों करते हैं हड़ताल, क्यों करते हैं? तो मालिकों से ज़ोर ज़बरदस्ती मांगे मनवाने के लिए श्रमिकों द्वारा अपना सामान्य कार्य बंद कर देना हड़ताल कहलाता है। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य उद्योग की गति को नुकसान पहुंचाकर मालिकों को मांगे मानने के लिए मजबूर करना। सबसे बड़ी बात है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारा डिमांड है, जो हमारा मांग है, वो उसकी पूर्ति कर सकें। अगर वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, हड़ताल पे बढ़ जाते हैं। तो हड़ताल के थ्रू क्या होता है, नुकसान दोनों पार्टी को होता है, श्रमिकों का भी होता है और उद्योगपतियों का भी होता है। ठीक है, थैंक यू।